जी मैं चलता हूँ, मेरा पेट भर गया। कुछ खाया नहीं है? ऑफिस में खा लूंगा। दूध तो पी ले। बाद में। देर हो रही है। और गाजर का अचार रखा है। भारती मारे बात करूँ? हाँ कहिए। पहले इधर देखो, बात बहुत जरूरी है। मोना के बारे में। मोना के बारे में क्या जरूरी बात हो सकती है? वही बात जिसे तुम नकारने की कोशिश कर रही हो। तुम उसे अनुकल का या इस घर का कोई काम करने क्यों नहीं देती? मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ये क्या तरीका है भारती? और मैं कहाँ रोक रही हूँ उसे, करे। पर करने के लिए काम तो आना चाहिए ना। काम नहीं आता है तो उसे सिखाओ ना। क्यों, माँ हूँ क्या उसकी मैं? हो भारती हो, जो जानती साहब, तुम उसे बहू बनाकर इस घर में ले तो आई हो, लेकिन तुमने अभी तक उसे मन से स्वीकार नहीं किया। अगर कर लिया होता तो तुम कोशिश करती कि वो यहाँ के रंग ढंग में ढल जाए, यहाँ के माहौल में रच बस जाए। मोना को अपने घर के तौर तरीके सिखाओ, उसे यहाँ के नियम कानून समझाओ, हमारे परिवार की परंपराओं से उसका सही परिचय कराओ, तभी इस घर की सुख शांति लौटेगी और अनुकल की जिंदगी की भी। आपकी बात मैं नहीं टाल सकती, इसलिए कोशिश जरूर करूंगी। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सब क्या है? क्या हालत बना के रखी है कमरे की? और ये सब जमीन पर पड़ा है, ये सब बिखरा हुआ सामान है, ये गीला तौलिया है, कुर्सी पे रखा हुआ है, एक चीज अपनी जगह पर नहीं है, पूरा सामान बिखरा पड़ा है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा मोना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम इतनी गंदगी में जी कैसे सकती हो, रह कैसे सकती हो। तुम्हारे घर में तुम लोग ऐसे ही रहते हो, ऐसे ही जीते हो। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? ये सब भी मुझे सिखाना पड़ेगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना चाय बनाना, ना सामान ठीक से रखना, ना कोई काम ढंग से करना। क्या करूँ मैं, क्या करूँ अम्मा जी? अब ये बंद करो रोना धोना, डांटा है मैंने, कोई आफत नहीं आ पड़ी है। हाँ शायद तुमने तुम्हारे घर पर कुछ भी नहीं किया होगा इसलिए तुम्हें ये सब नहीं आता। कोई बात नहीं, वो सीख लोगी ना तुम। मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। हेलो, अब्बा जी। बाप, वो घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या हो गया? मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी, मैं जा। स्वीटी दीदी, स्वीटी दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहती मोना। आइए चलता ना, चले। घर पे तो कोई भी नहीं था और मैं सुबह कमरा साफ करने आई तो देखा स्वीटी बेहोश पड़ी है जमीन पे नीचे और बगल में दवाई की सीसी खाली पड़ी हुई थी। मैं तो बहुत घबरा गई, मैंने तो कुछ भी ना सूझा, मैंने बस तुझे फोन कर दिया। कौन सी दवाई पी थी इन्होंने? दवाई 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 हाँ ये। अच्छा, वो पानी, नमक वाला पानी। पानी अभी लाए।